yes now lesson number 16 water okay now see water you know water means pani right now can you recall what happens when a spoonful of sugar sawdust and soil are added to a glass of water ab dekho अगर आप पानी में एक ग्लास पानी में अगर आप उसमें स्पून फुल मतलब पूरा स्पून भर कर अगर आप उसमें शुगर डाल देते हो या फिर आप सॉ डस्ट डाल देते हो नाउ व्हाट इज़ मीन बाय सॉ डस्ट जो वुडन पार्टिकल्स जो वुड के जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं ना वो सॉ डस्ट होता है ओके अगर आप वो डाल देते हो या फिर कोई सॉइल डाल देते हो ग्लास के अंदर तो उससे क्या होता है विच आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर और वाटर के कौन से थ्री स्टेट्स होते हैं What is done to make drinking water clean and safe? अब देखो जो हम पानी पीते हैं जो drinking water रहता है उसको clean और safe करने के लिए क्या करना पड़ता है Now pollution of water. Try this. While it is raining, collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open. अब देखो आपको ये try करना है क्या While it is raining, जब बारिश होती रहती है collect some of the रेन वाटर डायरेक्टली इन अ क्लीन कंटेनर तो उसका क्या करना है आपको जब रेनिंग होती रहती है तो उसके टाइम वही टाइम पे आपको एक क्लीन कंटेनर एक साफ कंटेनर लेना है और उसको उसको क्लीन करके उसमें क्या करना है पानी भरना है ऑल्सो कलेक्ट सम ऑफ द रेन वाटर दैट इज़ फ्लोइंग ओवर द ग्राउंड अब देखो उसके अलावा आपको वो भी वाटर कलेक्ट करना है जो ग्राउंड पर फ्लो हो रहा है ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टू अब देखो वो दोनों चीज़ को आपको क्या करना है कंपेयर करना है Now, observe and compare the two. अब देखो also collect some rain water that is अभी देखो आप लोगों को क्या करना है जो रेन वाटर है उसको एक एक उसमें कलेक्ट कर लेना है कंटेनर में क्लीन कंटेनर में ओके ऑल्सो कलेक्ट सम ऑफ द रेन वाटर दैट इज फ्लोइंग ओवर द ग्राउंड और वो वाला रेन वाटर भी कलेक्ट करना है जो ग्राउंड पे जो ज़मीन पे क्या हो रहा था फ्लो हो रहा था ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टू और आपको क्या करना है फिर उसको ऑब्जर्व करना है वॉट डिफरेंस डू यू सी वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट और अब आप दोनों को वो जो रेन वाटर आपने सीधा डायरेक्टली कंटेनर में कलेक्ट किया है और वो रेन वाटर जो ग्राउंड से आपने कलेक्ट किया है वो दोनों में क्या डिफरेंस है When other substance get mixed with water, it becomes impure. अब देखो अगर कोई other substance, कोई other चीज़ें अगर वो पानी में mixed हो जाती है तो उससे क्या होता है जो पानी होता है जो water होता है वो क्या हो जाता है impure हो जाता है गंदा हो जाता है Some of this substance float in the water. और देखो कुछ substance जो होते हैं वो क्या होते हैं पानी पे float होते हैं So the water looks unclean and muddy. तो उसकी वजह से जो water होता है वो कैसा दिखता है एकदम unclean, एकदम unclean गंदा लगता है और muddy रहता है Some substance dissolve in the water and we cannot see them. अब देखो कुछ substance जो रहते हैं वो क्या होते हैं dissolve होते हैं water में और हम उन्हें देख नहीं सकते इफ़ द सब्सटेंस दैट हैव गॉट मिक्सड विद द वाटर आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स अब देखो जो सब्सटेंस अगर कोई वाटर में मिल जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है वो जो पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर वो लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल हो जाता है राइट वी से दैट द वाटर हैज़ बीन पॉल्यूटेड तो हम क्या कहते हैं वो वाटर को कि ये जो वाटर जो वाटर है वो क्या है पॉल्यूटेड है गंदा है रिवर लेक्स आर अवर सोर्स ऑफ वाटर अब देखो जो रिवर होती है जो लेक्स होती है ये सारी क्या है हमारे सोर्स ऑफ वाटर है राइट इधर से ही हमें क्या मिलता है पानी मिलता है हाउ डज द वाटर गेट पॉल्यूटेड अब देखो वो जो वाटर होता है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है कैसे गंदा होता है नाउ कैन यू टेल लिस्ट द सब्सटेंस दैट आर मिक्सड इन द वेस्ट वाटर ड्रेन्ड आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउस
अब देखो आप लोगों को वो लिस्ट बनाना है जिसमें सब्सटेंस मिस हो जाता है और पानी को गंदा कर देता है, उससे वो आप क्या करते हो उसको आप किचन में या बाथरूम में आप उसे फेंक देते हो, राइट। यस नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। अब देखो जो वेस्ट वाटर रहता है उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए। द वेस्ट वाटर ऑफ द सिटी और टाउन इज कलेक्टेड एंड लेट इन टू अ वाटर बॉडी एट अ कन्वीनियंट लोकेशन। अब देखो जो वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी रहता है, जो सिटी में से, टाउन में से, ये सारी जगहों से, शहर में से जो ये निकलता है ना वाटर, उसको एक कन्वीनियंट लोकेशन पे क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज वेल एज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री कंटेन मैनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। Yes, now the waste water from residential building as well as from factories and industry contain many kind of impurities। अब देखो वो जो वेस्ट वाटर जो निकलता है कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से, राइट, और फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, तो ये सारे जो पानी है उसमें क्या रहती है, बहुत impurities रहती है, राइट। सम ऑफ दिस डिजोल्व इन द वाटर बॉयल, सम डू नॉट। अब देखो इसमें से कुछ वाटर जो है वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं होता, मतलब कुछ गार्बेज वैसे ही रहता है। अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अब देखो यहाँ पे पिक्चर है पॉल्यूटेड वाटर बॉडी की, राइट। सेवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिसीजेस। जो सेवेज वाटर होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मीन्स छोटे छोटे कीड़े रहते हैं पानी में, जिससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनियस सब्सटेंसेस। अब देखो जो वेस्ट वाटर होता है, जो इंडस्ट्री में से वेस्ट वाटर निकलता है उसमें ज़्यादातर क्या रहता है, पॉइजनियस सब्सटेंस होते हैं। इफ़ ऑल दिस वेस्ट वाटर इज लेट इन टू वाटर बॉडीज एज इट इज़, द वाटर बॉडीज बिकम पॉल्यूटेड एंड दैट इज डेंजरस। अब देखो वो सारे जो पॉइजनियस सब्सटेंसेस रहते हैं वो सीधा अगर वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए तो वो जो वाटर बॉडीज रहती है फिर क्या हो जाती है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है और डेंजरस हो जाती है। सच वाटर कैनॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पस। अब देखो ये जो पानी होता है वो या ना ही वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ना ही कुछ और चीज़ों के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपल्सरी फॉर फैक्ट्री ओनर टू ट्रीट द वाटर बिफोर लेटिंग आउट। तो इसके लिए जो फैक्ट्री के जो ओनर रहते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जो पानी है उसे पहले ही क्लीन करना चाहिए फेंकने से पहले। सिमिलरली सेवेज एंड अदर वेस्ट वाटर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इज प्रोसीज्ड फॉर प्योरिफिकेशन बिफोर लेटिंग इन टू अ वाटर बॉडी। अब देखो सेम वैसी जो टाउन है, जो सिटीज़ है, वहाँ पर जो ये इम्प्योरिटी ऑफ मतलब जो गंदा पानी आता है उसे क्या करना है, उसे भी मतलब चेक करके ही भेजना है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ओके, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा क्या, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। नाउ फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट प्योरिफाइड टू सम एक्सटेंड बाय नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो।
देखो जो फ्लोइंग वाटर रहता है रिवर में, और जो रिवर में फ्लो होता है बाकी फैक्ट्रीज का वाटर, उससे क्या होता है जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। बिफोर वाटर इज सप्लाई टू अ टाउन और सिटी इट इज़ प्योरीफाइड। अब देखो जब अगर कोई टाउन में या कोई जगह पर वो जब सप्लाई हो रहा है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, उससे पहले उसे प्योरीफाई करना पड़ता है।